हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 35A के बारे में। ये आप अभी न्यूज़ में भी काफ़ी टाइम से रहा है, आर्टिकल 35A। जैसे आप शायद न्यूज़ पेपर में पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर स्टेट जो है उससे रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल कुछ पावर्स देता है, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को आर्टिकल 35A। उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आर्टिकल 35A आखिर है क्या और क्या कंट्रोवर्सी है अभी इसको लेकर के। पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, ये पॉलिटी में आप पढ़ सकते हैं इसको, पॉलिटी में। और ये आपको सिविल सर्विस मेंस में, आप जीएस पेपर टू में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटस या रिलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद यूनियन कैसा है या क्या चेंजेस चाहिए, तो उसमें भी आप ये आर्टिकल 35A को के पॉइंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। अब आते हैं पहले इंट्रोडक्शन पे, आर्टिकल 35A क्या है। आर्टिकल 35A जो है अलाउज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एंड कन्फर ऑन सच परमानेंट रेसिडेंट्स स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्टेट, स्कॉलरशिप एंड अदर पब्लिक एड एंड वेलफेयर। आर्टिकल 35A जो है स्टेट लेजिस्लेचर को, जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर को पावर देता है क्या करने का, कि परमानेंट रेसिडेंट डिफाइन करने का, स्टेट्स के परमानेंट रेसिडेंट कौन होंगे, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, और वो परमानेंट रेसिडेंट जो होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल पावर, स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस उनको दे सकती है जम्मू कश्मीर सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट है। किस किस फील्ड में दे सकती है, तो गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, याद रखें स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, और वहाँ पे कुछ है ना, अगर जमीन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उस केस में, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और अदर पब्लिक एड एंड वेलफेयर। तो इन तीन चार डोमेन में जो है जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकती है, कुछ रियायत दे सकती है, कुछ है ना राइट्स दे सकती है इन केसेस में, जो कि नॉन परमानेंट रेसिडेंट को पास नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए स्पेशल पावर है, ये स्पेशल आप कह सकते हैं एक्ट है जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ लागू है। ये कब आया गया था, ये कब लगाया गया था, इट वाज इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 विच वॉज इशूड बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद अंडर आर्टिकल 371A(1)(d) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेक सर्टेन एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस to the constitution for the benefit of state subjects of Jammu and Kashmir। ये जो है आर्टिकल, ये जो आया था, ये इस ऑर्डर से आया था 1954 के, जो प्रेसिडेंट ने उस समय, तदन प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इशू किया था, उनके ऑर्डर से आया था। और ये जो आर्टिकल 371D, 370 जो है, 370 आर्टिकल आपका आपका पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जो टेम्प्रोरी आर्टिकल जो पार्ट है, ये टेम्प्रोरी आर्टिकल से रिलेटेड था, टेम्प्रोरी स्पेशल प्रोविजन है इसमें। इसे और भी स्टेट्स के लिए, जैसे नागालैंड के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मणिपुर के लिए भी कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 371 में, 371 सब क्लॉजेज में। तो ये जो आर्टिकल है 35A, वो भी इसी से ड्राइव किया गया है। और ये जो आर्टिकल था, ये आप जैसा अपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि जो इंटीग्रेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो स्मूथ नहीं था। उसमें कुछ गवर्नमेंट ने उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उस समय के जो सरकार थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, उन्होंने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया था ताकि वो इंटीग्रेट हो पाए जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उस समय जो राजा थे वहाँ के, हरी सिंह। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उसमें था कि आपको कुछ स्पेशल राइट्स होगा जम्मू कश्मीर को, अब अपने राइट्स होंगे डिफेंस और ये सब छोड़ करके, कुछ फील्ड छोड़ करके बाकी फील्ड्स में जम्मू कश्मीर जो है वो ऑटोनोमस होगा। तो उसी को बढ़ाते हुए इस ऑर्डर के द्वारा प्रेसिडेंट ने एक कुछ और पावर्स दिए थे जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 35A के अंदर में, कि वो जो है अपने स्टेट सब्जेक्ट्स में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको मॉडिफाई कर सके और है ना कुछ अपने परमानेंट रेसिडेंट को स्पेशल प्रिविलेजेस दे सके जो बाकी स्टेट्स में नहीं है। The provision mandates that no act of the legislature coming under it can be challenged for violation or violating the constitution or any other laws of the land.
जैसा कि ये ऑर्डर भी था कि उस समय तो वो जो था इसको एक्सेप्शन जैसे दिया गया, तो इसलिए वो अगर इस ये आर्टिकल जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल अगर आप रेसिडेंट किसी अपने ये स्टेट्स में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वायलेट होता है, आर्टिकल 19 वायलेट होगा, आर्टिकल 21 भी वायलेट होगा और भी है। तो इस चीज को एक्सेप्शन लेकिन दिया गया है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को, और ये जो है ना इट कांट बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल वायलेट हो रहे हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये 3-4 मैंने फंडामेंटल राइट्स जो बताए तो इसको वायलेट कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई थी ताकि जो परमानेंट रेसिडेंट थे वहाँ के या जो भी पब्लिक थी उनको इंटीग्रेट किया जा सके इंडिया के साथ। ये जो मैंने टेक्स्ट जो है आर्टिकल का उसको रिप्रोड्यूस किया यहाँ पर 35 है, इसको ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है इसको रिमेम्बर करने का, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको ना इजी रहे कि क्या क्या इसमें डोमेन डिफाइन है। ये है पहला ए में द डिफाइनिंग पावर जो दिया गया, डिफाइनिंग द क्लासेज ऑफ पीपल यानी डिफाइन कर सकता है कि कौन कौन लोग किस कौन कौन लोग जो है परमानेंट रेसिडेंट कहलाएंगे जम्मू कश्मीर के, और उन रेसिडेंट्स को कन्फर्डिंग उन रेसिडेंट्स पे एनी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, और दूसरे बाकी लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस भी दे सकता है जो नॉन रेसिडेंट्स हैं। परमानेंट रेसिडेंट्स के को ये स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस और अदर रेसिडेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस, किस रेस्पेक्ट में इम्प्लॉयमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये देखिए आप स्टेट गवर्नमेंट एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट, सेटलमेंट इन द स्टेट एंड राइट टू स्कॉलरशिप और अदर सच फॉर्म्स ऑफ एड एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड। तो इन चार डोमेन में स्टेट को अब आते हैं इशू क्या है जो अभी आप देख रहे हैं न्यूज पेपर में कुछ इशू चला थे, क्या इशूज हैं इस आर्टिकल के द्वारा, इस आर्टिकल से इट डिबार्स द नॉन रेसिडेंट, जैसा कि आपने देखा कि रेसिडेंट्स को कुछ पावर्स देता है, राइट्स देता है स्पेशल, उसी के साथ ही साथ डिबार्स द नॉन रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी, गेटिंग गवर्नमेंट जॉब और वोटिंग इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये इन चीज इन तीन डोमेन में जैसे कि वो बाहर के नॉन रेसिडेंट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ना गवर्नमेंट जॉब स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ना ये नहीं ले सकते हैं और वोट नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन में, तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है आपका, ये डिस्क्रिमिनेट करता है रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स में, ये एक इशू है डिस्क्रिमिनेशन का। ऐसे मैंने आप फर्स्ट लाइन बताया आपको 14 आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी का लॉ, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इन इन आर्टिकल्स को जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक तरह से वायलेट करता है। दूसरा इफ अ नेटिव वीमेन मैरिज अ मैन नॉट होल्डिंग अ परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू कश्मीर देन सी वुड बी डिनाइड फ्रॉम हर प्रॉपर्टी राइट्स, द डिनाइल ऑफ दीज राइट एक्सटेंड्स टू हर चिल्ड्रेन ऑल्सो, हेंस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जेंडर बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कैसे कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर की नेटिव वुमेन यानी वहाँ की परमानेंट रेसिडेंट अगर किसी पुरुष से शादी करती है जो कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, मैं बाहर के कोई कोई पर्सन के साथ शादी करती है जिसके पास परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है जम्मू कश्मीर का, उस केस में क्या होगा, उसको अब उसको भी प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगा, उसको भी एज ए नॉन रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब वो जबकि रेसिडेंट है बट आफ्टर मैरिज सी बिकम्स नॉन रेसिडेंट, और ये जो डिनायल है ये राइट प्रॉपर्टी राइट का ये उसके बच्चे तक भी, मैं कि उनके बच्चे को भी ये प्रॉपर्टी खरीदने का राइट जो है वो नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर में, वो भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, उनको भी नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ये जो है जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी है, ये सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। पहला आपने देखा फंडामेंटल राइट्स कुछ वायलेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है और वीमेन राइट्स भी वायलेट हो रहा है। मैनी बिलीव दैट दिस आर्टिकल वाज इनकॉर्पोरेटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनली डॉजिंग आर्टिकल 368 व्हिच इमेंसिपेट्स ओनली टू द पार्लियामेंट टू अटेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल 368 आपने पॉइंटिंग देखा कि इसमें जो है क्या ये अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट प्रोविजन जो है इसको डॉज किया गया। ये जो था ऑर्डर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, प्रेसिडेंट ने उस समय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने
ये ऑर्डर निकाला, लेकिन पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना ही ये ऑर्डर निकला था। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर था 368 को, उसको फॉलो नहीं किया, पार्लियामेंट को बिना इन्फॉर्म किए ही ये ऑर्डर, ये जो अमेंडमेंट ऑर्डर था वो निकाला गया। एक तरह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाए। ये इसको लेकर एक है ना सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओज ने पीआईएल भी फाइल की थी, जिस कारण से ये कंट्रोवर्सी और आगे आया है। अदर इश्यूज क्या क्या है, अदर्स कंसीडर आर्टिकल 35 ए अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द वननेस ऑफ इंडिया एज इट क्रिएटेड अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ इंडियन सिटीजंस बाय ट्रीटिंग नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एज सेकंड क्लास सिटीजन। तो जो वननेस का जो फीलिंग है कि सारे सिटीजन्स इंडिया के एक हैं, इंडिया में क्योंकि एक सिटीजनशिप है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग है, तो ये जो वननेस का फीलिंग है कि सारे इंडिया में जो लोग भाई बंधु हैं उसके अगेंस्ट है, क्योंकि तो ये एक नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट्स ऑफ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में डिफ्रेंशिएट करता है जम्मू कश्मीर के केस में, और उनको नॉन रेसिडेंट को क्या है, एक सेकेंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है, क्योंकि तो उनके पास बहुत सारे राइट्स नहीं, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब के नहीं ले सकते हैं, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिटियस स्टूडेंट आर डिनाइड स्कॉलरशिप एंड दे कैन नॉट इवन सीक रिड्रेसल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो उनको जो हमारी कोई मेधावी छात्र होगा, जो अच्छा जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी अगर वो नॉन रेसिडेंट्स हैं या उनके उनके जो फादर है वो नॉन रेसिडेंट है। तो इस केस में उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, जबकि वो मेरिटियस है तो उनका हक बनता है कि उनको स्कॉलरशिप मिले, तब भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो इस तरह से इनको भी एक ना डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बट ऑन द बेसिस ऑफ आपका रेसिडेंस, आप परमानेंट रेसिडेंट है या नॉन परमानेंट रेसिडेंट है। वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी इक्वलिटी का, आर्टिकल 19 फ्रीडम इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम, और 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल है। तो इन तीनों को भी वायलेट करता है ये फंडामेंटल राइट्स को भी। अब हम आते हैं कि ये आर्टिकल किस तरह से सपोर्ट कि सही है, आर्टिकल 35 है क्यों सही है, क्यों लाया गया था। इवन स्टेट्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव लॉज विच स्टेट दैट नो आउटसाइडर कैन बाय लैंड, हेंस आर्टिकल 35 है सेफगार्ड द यूनिकनेस ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा ये आर्टिकल है, रेस्ट्रिक्शंस है, और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड स्टेट्स में जो मेनली जो ये दोनों आपके क्या कहते हैं हिल स्टेट्स हैं, स्टेट्स, यहाँ पे भी जो है बाहर के लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये क्यों है ये ऐसा रेस्ट्रिक्शंस, ताकि वो यूनिकनेस को कंजर्व किया जा सके जम्मू कश्मीर का या जो कि बाकी स्टेट्स का है, ताकि बाहर के लोग आएंगे तो वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो हो सकता है दाम वहाँ का बढ़ जाए, और लोकल जो सिटीजन्स है, मान लीजिएगा यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो है ये हिल स्टेट है, ज़्यादातर है ना वहाँ के लोग जो है वो छोटे मोटे काम में ज़्यादातर है, बहुत सारे एरिया जो है वो डेवलप नहीं है, बैकवर्ड है, तो वहाँ अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लोकल रेसिडेंट्स को सकता है कुछ ना प्रॉपर्टी राइट्स नहीं रहे, लोकल रेसिडेंट्स के पास प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, तो इन सब को बचाने के लिए वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा होंगे, उनके वहाँ के स्टेट्स के लोग हो सकता है कि उनको उतना डेवलपमेंट में शेयर नहीं मिले, तो यूनिकनेस को कंजर्व करने के लिए भी एक जरूरी है ऐसा आर्टिकल। आर्टिकल 35 ए फॉलोज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड द गारंटी गिवन टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर दैट स्टेट्स ऑटोनॉमी विल नॉट बी डिस्टर्ब। कहा कि जो इंटीग्रेशन हुआ था जो जम्मू कश्मीर का स्टेट का पिछली स्टेट का इंडिया में, उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था वहां के राजा के साथ, तो इसमें जो है उनको कुछ रियायत दी गई थी, उनको कुछ है ना स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया था, आपका साथ बेनिफिट दिया गया था ताकि वो इंडिया के साथ आए, वहाँ इंडिया के साथ जुड़े, और उसी समय ये गारंटी भी दिया गया था कि स्टेट का जो ऑटोनॉमी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो अगर आर्टिकल 35A को हम उसी केस उसी को इम्प्लीमेंट करने का एक प्रोविजन था, और इसको हटाना मतलब कि जो गारंटी दिया गया था उस समय उसको ना चेंज करना, उस समय जो सरकार ने दिया था उसको चेंज करना। स्ट्राइकिंग डाउन आर्टिकल 35A वुड अलाउ पीपल फ्रॉम आउटसाइड जम्मू कश्मीर टू सेटल इन द स्टेट एंड एक्वायर लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड द राइट टू वोट
दस अल्टरिंग द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट। तो जो डेमोग्राफी जो है डेमोग्राफी वहाँ का चेंज हो जाएगा, अगर बाहर के लोग हो सकता है कि ज़्यादा आ जाए वहाँ पे, बाहर के लोग ना आके बसने लगे वहाँ पर, प्रॉपर्टी खरीद ले, तो जो वहाँ के जो लोग हो सकता है उनके, अगर उनके पास ना पैसा नहीं है, उतने डेवलप नहीं है, तो वो वहाँ पे ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। हो सकता है उनको है ना वहाँ से बाहर जाना पड़े रहने के लिए, या एक है ना बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करना पड़े, जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे वो नहीं दिखे। तो इस तरह से वहाँ का डेमोग्राफी जो है, जो कश्मीरियत है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी स्टेट्स की, ऐसा ये मानना है लोगों का। तो सजेशंस क्या है इसमें कि ना कैसे हम ना दोनों पक्षों को मिलाए, कैसे शुड द आर्टिकल बी 35 बी रिमूव्ड, इट मस्ट बी रिमूव्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस विच इंक्लूड द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर इन द डिस्कशन। तो हमें जो है इसको इसके लिए हटाने के लिए, जो अगर हम कुछ कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्लियामेंट में उसको लॉ बना के उसको हटा दिया जाए, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटा दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाए, ऐसा नहीं करके हमें चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स, स्पेशली द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, परमानेंट रेसिडेंट्स जो हैं, या फिर जो बाकी लोग हैं, उनको डिस्कशन टेबल पर लाया जाए, उनके साथ डिस्कशन करके, और उसके बाद उनके विचार को जान के ही, उनको सहमत करके ही आर्टिकल 35A को हटाने की प्रक्रिया की जाए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो है एक ना टेंशन का माहौल, जो आज भी आप देखते हैं कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं और बाकी जो जो टेररिज्म वहाँ पे पनप रहा है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए आपको एक पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू ही इसको हटाना चाहिए। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहाँ के जो जनता है, या वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग करके ही इसको रिमूव करना चाहिए। दो आर्टिकल 35A नीड रीलुक, एनी फर्दर अल्टरेशन शुड नॉट टेक अवे द यूनिकनेस ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो यूनिकनेस है, एक अलग स्टेट्स का अलग जो यूनिकनेस है, उसका अलग जो पहचान है, उसको बचा के रखना चाहिए, और उसके उसको देखते हुए ही आर्टिकल 35A को आल्टर करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल 35A पर एक शॉर्ट नोट्स, जो आपको कुछ कोई भी क्वेश्चन आएंगे अगर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो उस पर आपको अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। फर्दर आप, मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप इस पर वीडियो देख रहे हैं, तो इसको आप ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको अगर आपको इसके जुड़ा PDF चाहिए हो, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं IQ ज्ञान पे। ये फेसबुक पेज है IQ ज्ञान का, IQ ज्ञान 2019, और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ज्ञान_IQ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।